बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील में सरकारी एम्बुलेंस का दुरुपयोग, 102 एम्बुलेंस से ढोई जा रही है सवारियां, चालक कमा रहा है पैसा, अधिकारी सादे हैं चुप। अमेठी के बहादुरपुर जायस में रेलवे ट्रैक पर मिली बुजुर्ग की लाश, लाश की पहचान खरौली के राम नरेश के रूप में हुई, घर वालों ने बताया मानसिक विक्षिप्त। बाराबंकी के फतेहपुर में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन, 7 सूत्रीय की मांग, 21 व 26 दिसंबर को प्रदर्शन को लेकर बंद रहेंगे बैंक। सुल्तानपुर के लम्भुआ के लालपुरवा चमनगंज में विनोद सिंह की हत्या कर शव को भूसे में छिपाया गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन, हड़कंप मचा। अमेठी के पूरे हकीम जायस में शौचालय निर्माण के विवाद को लेकर दबंगों ने गरीब परिवार के लोगों को पीटा, घर में लगाई आग, लोगों में दहशत, पुलिस से की गई गुहार। सुल्तानपुर के राम मिलन सालिक राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन, देर रात तक काव्य पाठ का आनंद सैकड़ों लोगों ने उठाया। सुल्तानपुर के बल्दीराय के चक्काली भीट गान में स्थित बाबा जुड़ई शहीद की मजार पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय उर्स, सैकड़ों लोग हुए शामिल, हर वर्ष होता है आयोजन। सुल्तानपुर के चांदा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया नुक्कड़ नाटक, कलाकारों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को किया प्रदर्शित। सुल्तानपुर में सरकार की मंशा पर पानी फिरा, खसरा और रुबेला का टीका लगने के बाद कक्षा 2 की छात्रा की हालत बिगड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने लगाया आरोप, लम्भुआ के नारायणपुर गांव का है मामला। अमेठी के जामो के कटारी गांव में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया, पीड़ित ने लगाया पुलिस से मिलीभगत का आरोप। अमेठी के बाजार शकुर के थाने में प्रभारी राजकेशर ने जनता की समस्याओं को लेकर निवारण की व्यवस्था की, शिकायत के बाद निस्तारण के निर्देश दिए। अमेठी के NH-56 पर कार्य कर रहे दिलीप बिल्डकान के मैनेजर अरविंद पर जानलेवा हमला, बाइक सवार दर्जन भर हमलावरों ने किया हमला, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती, हालत नाजुक। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में बग्घी चला रहे 42 वर्षीय नन्हेराम का घोड़ा बिदक जाने से 20 फुट खाई में गिरा, मौके पर नन्हेराम की हुई मौत, घर में कोहराम मचा, गाड़ी में लगी चाइनीज लाइट की चमक से बिदका था घोड़ा। बाराबंकी के ब्रह्मौली में घटिया सामग्री से शौचालय निर्माण के चलते खुले में शौच को जाने पर मजबूर है ग्रामीण, शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे अधिकारी, ग्रामीणों में रोष। अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी की गद्दी को लेकर छिड़ा विवाद, कल होगा शांत, आपसी सहमति से महंत प्रेमदास का नाम लगभग तय, एक ही पट्टी के 2 दावेदारों के आने के बाद मामला था उलझा, साधु संतों ने आपसी सहमति से सुलझाया इस मामले को। अयोध्या के मंडल कारागार में अशफाक उल्ला खान के शहादत दिवस के अवसर पर शुरू हुआ खेल सप्ताह, कई खेलों के जरिए कैदियों की प्रतिभाओं को उभारने की गई पहल, सैकड़ों लोग हुए शामिल, जेल में बंद कैदियों में उत्साह। सच्चाई वही जो हम बताएं।